नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जो है टोपी वगैरह मैंने लगाई है क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत जो है अभी सही नहीं है। तबीयत गड़बड़ होने की वजह से कल मैं ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। पर आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा अभी जो है व्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कल और परसों की छोटी छोटी क्लिप्स जो भी मैंने शूट की हैं वो भी मैं इसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी और जो आज का रहेगा वो आपके साथ होगा कल शेयर। तो अभी प्रिया चली गई है घर अपने, संडे के दिन वो चली गई थी, उसकी वजह से भी मेरा मूड काफी ऑफ था। लेकिन क्या करें, अब जो आई थी गेस्ट बन के आई थी, जाना तो था ही। और 4 फरवरी को जो है शिमला में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी और जैसे आपको पता है शिमला से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। वहां एक तो मेरी स्टडी हुई है, बर्थ वहां का है और मतलब स्टडी वगैरह मेरी वहीं की है और अभी भी वहां पे जो है मेरे ब्रदर जॉब करते हैं शिमला यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने मेरे साथ ये स्नोफॉल की वीडियोस शेयर की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और शाम के टाइम जब बहुत ज्यादा वहां पे स्नोफॉल हो गया था उसकी वीडियो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, जो कि मैं अभी इस व्लॉग में थोड़ा सा छोटा सा क्लिप है 2 मिनट का है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए आप कितनी ज्यादा वहां पे स्नो फॉल हुआ था। और यार सच में बहुत टफ हो जाता है जब स्नो फॉल पड़ता है ना। तो शिमला में जब हम रहते थे उस टाइम जो है पानी की पाइपें जम जाती थी, कई बार तो लाइट भी कट हो जाती थी, बहुत मतलब मुश्किल हो जाता था। पानी का सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता था क्योंकि जो पाइप्स वगैरह होती थी ना उसमें वो मतलब जम जाती थी वो बर्फ की वजह से, तो पानी की काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब तो ऐसा है कि बर्फ गिरती है और पिघल भी जाती है जल्दी ही, तो अब इतना वो नहीं रहता है, बीच बीच में पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है और फिर पिघल जाती है। तो बातें बहुत हो जाएगी और व्लॉग जो है लंबा हो जाएगा, तो अभी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, स्नोफॉल को एंजॉय कीजिए पहले और फिर उसके बाद मेरा जो है घर का व्लॉग भी एंजॉय कीजिए। और क्योंकि देखिए वहां पे बर्फ गिरी और असर मुझे यहाँ पे हो गया, मुझे कोल्ड हो गया और मैं बीमार हो गई। तो अभी आप आगे वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो है ये है ऑफिस टाइम जब मतलब ऑफ हो गया था 5 बजे के बाद का है ये। और देखिए कितनी ज़्यादा जो है अभी भी स्नोफॉल यहाँ पे चल रही थी। और ये जो है जैसे भी शूट किया है वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल भी इसको जो है मतलब वो एडिट नहीं किया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती तो आपसे जो है आधा मतलब मिस हो जाता, तो इसलिए जैसा बना था वैसा ही मैंने ये शेयर कर दिया है। और आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा जो है बर्फ़ यहाँ पर पड़ गई है और अभी भी जो है स्नोफॉल जारी है, बर्फ़ पड़ ही रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये जो है बालूगंज वाली साइड है शिमला में, जो शिमला के लोग हैं उनको तो पता होगा लेकिन शिमला यूनिवर्सिटी का जो है मैक्सिमम हर लोगों को पता है, तो मतलब ये शिमला जो यूनिवर्सिटी है वो वाली साइड है वहाँ का ये वीडियो है। और देखिए क्या मस्त जो है बर्फ पड़ी है और कितनी ज़्यादा पड़ी है, जो मैंने तो देख के ही पूरा इंजॉय कर लिया और आप भी इंजॉय कर लीजिए वीडियो को। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on
और ये है संडे मॉर्निंग का। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी आलू की सब्जी और पूरियाँ। तो यहाँ प्रिया जा चली गई थी, उसके बाद हम लोग सब बैठ के जो है अपना खाना वगैरह बना रहे थे, तो उस टाइम मैंने ये क्लिप जो है बना ली थी। तो आलू और पूरियों की सब्जी उस दिन मैंने बनाई थी, यानी कि संडे को मॉर्निंग को। वैसे मैंने जो है उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन डरते डरते बनाया था, क्योंकि जब सफर करना होता है ना, थोड़ा तला हुआ खाना थोड़ा मतलब ऐसे लगता है कि कहीं कुछ वॉमिट वगैरह ना हो जाए, पर बहुत अच्छा रहा उसके लिए। उसको वॉमिट वगैरह वैसे होती नहीं है, पर कई बार ऐसे मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे से जो है अपने घर में पहुंच गई। और हम भी उसे मिस कर रहे हैं, वो भी हमें वहां पे मिस कर रही है। और उसके बाद जो है मेरी तबीयत थोड़ा खराब हुई थी, तो संडे के दिन फिर मैंने जो है सुबह कोई दिन को कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद है शाम के टाइम का जो भी मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप देखिए, आपको बहुत हंसी आने वाली है आगे वीडियो में। तो आप देखिए, बातें रहने देते हैं करने, और आप बस वीडियो देखिए आगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ काम चल रहा था और पारस ने मेरी मेकअप किट खोली है, और ये देखिए यहाँ पे वो अपना मेकअप कर रहा है। और मेरी मेकअप किट के जो हाल इसने किए हैं ना, वो कभी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। वैसे आपको दिख ही रहा है इस वीडियो में क्या हालत उसने की है। यहाँ एक साइड को डोरेमोन चल रहा है और एक साइड को जो है अपना मेकअप चल रहा है। और यहाँ पर जो है इसको पता नहीं था कि इसकी वीडियो बनी है, ये वीडियो क्लिप जो है बनाया है बेबो ने, और यहाँ पे इसको पता लग गया तो ये चिल्लाना शुरू हो गया। और अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये जो है ना ये भैया बनाते हैं होशियारपुर की, यहाँ पे ये इनकी मशहूर जलेबी यहाँ पे बनती है, यानी कि होशियारपुर में जो है इनकी बनाई हुई जलेबी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो ये क्लिप मैंने नहीं बनाया है, ये गए थे हस्बैंड सब्जी वगैरह लेने गए थे मार्केट, तो आते हुए इन्होंने जो है जलेबी ये लेके आए, और जलेबी जो है हस्बैंड की और कोमल की बहुत ही ज़्यादा मतलब फेवरेट है, फेवरेट स्वीट डिश है, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है जलेबी। और बस जो है ये यहाँ पे होशियारपुर में जो है इनकी जलेबी बहुत मशहूर है, मतलब तो यहीं से हम लोग भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे इन्होंने ये वीडियो जो है शूट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आप भी जलेबी का मज़ा लीजिए अभी बनने का और फिर हमारे साथ खाने का। और इन भैया का नाम है अनूप, तो इनकी जो है जलेबी बहुत ही पसंद की जाती है, होशियारपुर वाले जो हैं लोग हैं वो सभी जानते होंगे, लेकिन अगर आप होशियारपुर आते हो तो आप लोग भी जो है इनकी जलेबी ज़रूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तैयार जलेबी, कोमल के मुंह में पानी आ गया, कोमल के मुंह में पानी आ गया, नहीं लेके, और ये पैक हो गया। वन टू थ्री टूट पड़ो, लो जलेबी भाई, टू गुड। फ्रेंड्स, अभी जो है वीडियो का एंड भी मुझे यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इससे आगे का जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि जो हमें शो होता है ना कितने लोग वॉच कर रहे हैं और कौन कौन वॉच कर रहे हैं, तो मेरे हमेशा ही आता है नॉट सब्सक्राइब, जो है जो नॉट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो 60% लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन लिखा होता है सब्सक्राइब का उसे क्लिक कीजिए, और उसमें फिर तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल पे जाके आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उससे जो है आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगी, आपको चैनल सर्च नहीं करना पड़ेगा। और अभी जो है बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।